अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आप सब लोग जो जो दुआएं को बोलते हैं मेरी, अल्लाह ताला हम तमाम के दुआएं कबूल करे, हम सब के नेक हाजतें नेक तमन्नाएं पूरी करे। जो लोग हज पे गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, आमीन आमीन सुम्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैरमल आलमंड खीर। इसके लिए चाहिए 1 लीटर मिल्क, जिसको मैं आधा घंटा कम बत्ती पे रख, देखिए अच्छा सा गर्म कर ली, थोड़ा सा सूखने दी, ज्यादा रेड नहीं होना है। आप 50 ग्राम खोवा, हाफ कप राइस छोटी कप से, और इसको 2 घंटे भिगा देके सुखा देना है, फैन में रखे तो सूख जाते चाहो। बादाम 20 से 25, 1 कप शुगर, और ये 5 आदमी की खीर है। चलिए बनाते हैं हम खीर। अब दूध गर्म कर लूंगी मैं, पहले बादाम अलग पीसूंगी, चावल अलग पीसूंगी, साथ भी पीस सकते हैं आप लोगों की मर्जी है। दूध रख दी मैं गर्म पे, थोड़ा गर्म करके आप लोगों को बता रही हूँ। पहले तो अच्छा गर्म कर ली मैं, अच्छे से गर्म हो गया ये। अब इसके अंदर डालेंगे हम ये चावल जो पिसे हुए है ना, ये चावल थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, लुंडे बनने नहीं देना है। और चावल आपको अच्छा बिरयानी राइस लेना है, तो अच्छी बनती है। इसके साथ ही ये बादाम का पाउडर डाल देंगे, आप लोगों को जो बताई थी ना वो पीस। इसके करीब से हटना नहीं है, क्योंकि चावल लगता चाहे सिल्वर हो स्टील हो, थोड़ा मिक्स करते रहना है। चावल अगर अच्छा भीगा ना तो दूध में जल्दी गल जाता चावल, अगर नहीं भीगा तो कच्चा कच्चा दिखेगा आप, और एकदम आपको आटे के जैसा भी नहीं पीसना है। चावल एकदम थोड़ा जरा रहना है, कनकी बोलते नहीं, कनकी कैसा रहती उससे थोड़ा बारीक। बादाम भी पाउडर नहीं रहना है, थोड़े टुकड़े रखना है, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रखी मोटा मोटा। थोड़ा सा चावल होता ना बिल्कुल कम बत्ती पे है, तो थोड़ा सा ऐसा खोवा को ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, एकदम नहीं डालना है। अभी है खोवा, थोड़ा मेल्ट हुए बस से डालूँगी, और जहाँ खोवा नहीं मिलता आप लोगों को तो मिल्क मेड डालिए, और खोवे का टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, मिल्क मेड का टेस्ट अलग रहता है। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे आंटी चावल खीर का कैसा हो गया, तो मालूम होगा, तो जब इसमें थिक पना आएगा ना तो आपको मालूम होगा कि चावल गल जाएगा। मगर आपका चावल 2 घंटे भिगना है, चाहे आप 1 कप चावल लो, 2 चाय के चमचे की उत्ती, 1 कप की उत्ती भी आप खीर बना रहे हैं, अक्सर बैचलर बच्चियाँ बनाते हैं, तो जो जॉब करने वाले रहते हैं मीठा खाना दिल बोलता, मगर उसको आपको 2 घंटे चावल भिगोने थे। अगर चावल नहीं भिगाएंगे आप तो मैं इंशाल्लाह ताला और एक आप लोगों को बता दूंगी खीर की रेसिपी, जो आप सब तैयारी करके रख ले सकते हैं, बस आए दूध गर्म कर लिए बना लिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बता देती हूँ। जब पूरा सा खोवा हो जाएगा, बादाम चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अब इसमें डालना है थोड़ी सी शक्कर, बस थोड़ी डालना है, ये शक्कर क्रेमल के लिए रखना है, बस इसको ऐसा करते जाना है। और गया खलखली अच्छी आ गई, अब इसको कम बत्ती पे मैं साइड पे रख दूंगी। ये आपको दूसरा चीज बताती हूँ, ये कम फ्लेम पे इधर फकरा, अब ये साइड में क्रेमल बनाऊंगी। और ज़ियाद खीर के जैसी गाढ़ी नहीं रहती है, आप ग्लास में भी डाल के इसको पी सकते, चमचे से भी खा सकते, और एकदम चिल्ड करना है। फ्लेम कम है, अब मैं इसमें शुगर डाल दूंगी, बिल्कुल काला नहीं करना है आपको, लाइट कलर आना है इसका, बस कम पिच रखना है, बस ऐसा ऐसा थोड़ा करना है, बस स्लोली स्लोली शक्कर मेल्ट होती, पानी नहीं डालना है। और जो नए बच्चियाँ सीख रही वो लोग थोड़ा आहिस्ता करिए, क्योंकि ये खुद भी बहुत गर्म रहता,
और एकदम फुल फ्लेम नहीं होना है कि उसका शक्कर का एकदम उछल के खुदा ना खास्ता आग लगने का डर रहता है। तो थोड़ा आहिस्ता करिए, ऐसा मिलाते रहिए, मिक्स करिए, ऐसा कलर चेंज होना, थोड़ा सा कम फ्लेम के ऊपर भी ऐसा हाथ से उठा लेना इसको, तो हल्की आँच लगते रहना बस। बर्तन वॉश करेंगे आप तो ये खाली करते ही फ़ौरन भीगने डाल देना, नहीं तो ख़राब हो जाता आपका पैन। डिकाशन, लाइट डिकाशन कैसा रहती है उस टाइप से बनाना है ये। अब मैं गैस बंद कर दी इधर, फिर अब इधर ले लूँगी। इस टाइप से रहना है, अब ये इसमें डाल देंगे। गैस बंद करके डालना है, गैस खुली रख के नहीं डालना है। हल्के हल्के हाथों से करना है। बस गैस बंद है, अब ऐसे आपको इसको थोड़ी देर करना है, नहीं तो अंदर से ये बिल्कुल हार्ड होते जाते। थोड़ा सोच समझ के बनाना है इसको, जैसा अपन खीर बनाते हैं वैसा झटपट नहीं बना सकते, असल क्रैमल का है समझिए, कमाल। एकदम ऐसा नीचे से ले जाके हिलाना है क्योंकि क्रैमल फौरन नीचे चले जाता, थोड़ा सा टाइम लगता। बहुत अच्छी चीज़ है, गिलासों में डाल के सर्व करिए, कटोरी में सर्व नहीं करते। अगर आप ना पीना चाह रहे तो वैसा भी पी सकते, ये बिल्कुल अलग टाइप की है खीर, इसको शेक नहीं बोल सकते। ये देखिए अब इतना बचा, इतना था ना, क्रैमल डाल के आपको हटना नहीं है बस। रेडी हो गया, मैं डिश आउट करके बताती हूँ। क्रैमल खीर बनके रेडी है, मैं जैसा जैसा बताई वैसा करिए। थोड़ा सा क्रैमल बनाने में आप लोगों को थोड़ा हार्ड दिखेगा, नए बच्चियाँ जो है तो ज़रा कम उस पर रख के बनाइए फ्लेम पे, और लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके अंदर इलायची नहीं डालते, क्रैमल का फ्लेवर नहीं आता। वनीला एसेंस आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर जो अपन क्रैमल बनाए ना उसका फ्लेवर नहीं आता। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में ख़ास तौर पे याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।